नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ में हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। बारवाडीह प्रखंड अंतर्गत आने वाले मंडल डैम में शुक्रवार को डाल्टेनगंज से घूमने आए 11 नाबालिगों में एक नाबालिग नहाने के क्रम में डैम के पानी में तेज बहाव में बह गया। बरवाडी थाना प्रभारी श्रीनिवास कुमार सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम बहे नाबालिग लड़के के खोजबीन एवं तलाशने में लगे हुए हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक नाबालिग का पता नहीं चल पाया है। वहीं गोताखोर को बुलाने की चर्चा हो रही है। बताते चले कि मंडल डैम पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण आकर्षित करता है। यहाँ पर्यटकों का सालों आना जाना लगा रहता है। वहीं शुक्रवार को डाल्टेनगंज से 5 नाबालिग मंडल डैम घूमने आए थे, जिसमें एक युवक पानी में नहाने के लिए उतरने के साथ तेज बहाव में बह गया। उसके साथ ही कुछ समझ पाते तब तक युवक बह के काफी दूर चला गया। साथ आए युवकों की माने तो शुभम चंद्रवशी उम्र 16 वर्ष वर्ग 8 का विद्यार्थी है, जो डाल्टेनगंज रेडमा के बिजली ऑफिस के पास का निवासी बताया जा रहा है। वहीं साथ आए युवकों की माने तो नहाने के क्रम में शुभम अचानक तेज बहाव में बहने लगा। हम लोगों ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन तब तक तेज बहाव के कारण काफी दूर जा चुका था वह। बरवाडीह थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम नाबालिग को तलाश करने का प्रयास जारी है। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।